हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमें ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 2। देखिए, पार्ट नंबर 1 जो मैंने अपलोड किया था, काफी ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया था। मैं आपको एकदम ब्रह्मांड की सैर कराई थी, एक एक चीज पर बहुत डीप में बात की थी। आप लोग एकदम सपनों की दुनिया में चले गए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओके, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो स्टोरी के फॉर्म में मैंने पूरे चैप्टर कवर कर दिया था। इसी तरह अब हम लोग ब्रह्मांड से फिजिकल वर्ल्ड की ओर आते हैं, यानी कि अपनी पृथ्वी की ओर आते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत चीजें हैं। इनको भी मैं एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोग कम पढ़ के भी और मजे मजे में भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे पढ़ने वाला जमाना चला गया यार, तब तक बुके रटोगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, इतनी खूबसूरत चीजें हैं, एडवेंचर वाली चीजें हैं, कौन इसको कौन नहीं जाना चाहता। ओके, आप लोग भी जाना चाहते हैं, और एक पेपर के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग लगा लीजिए, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप लोग डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, अपनी लाइफ से प्यार है, अपनी फैमिली की लाइफ से प्यार है, या फिर आप लोग समाज को जागरूक करना चाहते हैं ना, फिर भी ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ओके, तो पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी जब आप मेरे साथ कवर करेंगे ना, तो आप लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे। जैसे कि ऐसे खूबसूरत चीजें हैं, समुद्र में कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन जाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप लोग हादसों से बच सकते हैं। इस तरह से कौन स्केडिंग नहीं करना चाहता, इतनी खूबसूरत सी चीजें हैं, लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई समस्या होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो किस तरह से आप लोग बच सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और इसमें बहुत बड़ी बहुत लोगों का लॉस हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पर एक पिकनिक लगाई है, अगर आप लोग देखेंगे, खुद भी जाकर के देख सकते हैं कि हिमालय पर जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उसमें से बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस वजह से मतलब उनकी जान चली जाती है कि उन्हें सही नॉलेज नहीं हो पाती है। वो लोग सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कुछ है नहीं, तो प्रकृति है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। इसको आप लोग इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, बल्कि अच्छे से इसका आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूं, ऐसी खूबसूरत सी मान लीजिए रिवर है, इस रिवर में कौन नहीं नहाना चाहता, आप भी नहाना चाहते हैं। ओके, और आप एक लड़की है तो ऐसे एकदम उतावले होकर के कपड़े निकालेंगे और एकदम इसकी तरह बनने की तरह कूदेंगे। ओके, लेकिन जैसे ही कूदेंगे ना, तो इतने गोते खाएंगे ना कि आप कोई गोताखोर भी नहीं खोज पाएगा। जिस तरह से क्या होता है ना कि आप लोग रिवर देखेंगे ना, तो लगेगा ये आप जैसे घूमने गए कहीं पर पहाड़ों पर, आपने को लगा बहुत अच्छी रिवर है, यहाँ पर नहा लेते हैं। ओके, इसकी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं, और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे आपको सैकड़ों एग्जांपल, जैसे कि आप लोग समुद्र में जाते हैं, भूकंप आता है तो कैसे बच सकते हैं, ऐसे बिल्डिंग में आप लोग फंस गए और भूकंप आ गया तो क्या करेंगे, आप लोग लिफ्ट से जाएंगे क्या करेंगे, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पर कोई व्यक्ति, ऐसे एक्स व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है। ओके, आपको लगा ये तो इसके घुटने भी नहीं डूब रहे, आप इधर है, आप इसके अंदर चले गए और आप तो ऐसे डूब जाएंगे, ऐसे गोते खाएंगे, और फिर आपको गोताखोर आएंगे खोजने के लिए। वो गोताखोर का अंदर वो मास्क लगा करके पीछे सिलेंडर लटका रहता है, और फिर ऐसे अंदर घुस के ऐसे घुसते हैं, वैसे खोजना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए रिवर होती है वो हर जगह, उसका जो नीतल होता है ना, वो समतल नहीं होता है। वो इसलिए होता है, मैं जब आपको रिवर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, एकदम जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहां से लेकर के डेल्टा जहाँ तक बनाती है, मतलब उसकी जो लास्ट स्टेज होती है ना, वहां तक मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसकी गहराई बहुत अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी गहराई कम होगी। इसी तरह आप यहाँ पर आएंगे ना, तो इसकी गहराई बहुत कम हो जाएगी। तो क्यों होता है, जहां पर रिवर होती है ना, वो कटान करती है, ओके, इरोजन करती है, तो वहां पर गहराई बहुत अधिक होती है। ओके, अब यहाँ पर गहराई बहुत अधिक होगी, लेकिन जहां पर निक्षेपण करती है, डिपोजिशन करती है, वहां पर गहराई बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग नहा सकते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ पर नदी है वो कटान कर रही है, कहाँ पर निक्षेपण कर रही है। तो आप लोग मेरे साथ जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इस समस्या से बच सकते हैं और अपनी जो प्रकृति है इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं, और यहाँ भी आपको मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग बीच पर जाना चाहते हैं, समुद्र में जाना चाहते हैं, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानते होंगे, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। ओके, तो भू आकृति विज्ञान को अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो भू आकृति विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इसे देखो हिंदी में इसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान। ओके, भू का मतलब होता है भूमि। ओके, आकृति का मतलब होता है भैया किस तरह का आकार है। तो इस तरह हम पृथ्वी है हमारी,
इसकी हम सतह का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की सतह भैया ये तो आंतरिक हो सकती है या बाह्य हो सकती है, तो हम दोनों का अध्ययन कर लेंगे। आंतरिक किसी ने देखी नहीं तो एक बार हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन जो बाह्य है जो हमको दिखती है भैया इसका हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिस तरह आप लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी पर चार तरह के मंडल पाए जाते हैं, एक हाइड्रोस्फीयर ओके जिसको बोलते हैं जलमंडल, इसी तरह एक होता है एटमॉस्फेयर ओके जिसको बोलते हैं वायुमंडल ओके, इसी तरह एक होता है लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं स्थलमंडल ओके। अब इसी तरह जब ये तीनों जहां पर मिलते हैं, ओके ये तीनों जहां पर मिलेंगे वहां पर बनेगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इसको हिंदी में कहते हैं जैव मंडल, और ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, जैव मंडल भी यहाँ पर जीव ऊपर रहते हैं तो वो ऊपर तो रहते नहीं होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर ही गलत कर देते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव मंडल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो आप लोग सोचेंगे नहीं यार सिर्फ 1-2 फीट मतलब 5-6 फीट 10 फीट 15 फीट तक पाया जाता होगा, 8 किलोमीटर तक कैसे पाया जाता है, तो आप लोग गलत कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैव मंडल का विस्तार आपको 8 किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है ओके। अब देखिए अब हम लोग इसके पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेंगे, तो पृथ्वी की सतह में नंबर एक आंतरिक सतह देखेंगे। भैया पृथ्वी किस तरह की बनी हुई है हम देखेंगे ना, इसके अंदर क्या है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको एक बार देख लेंगे क्योंकि भैया इसके अंदर तो कोई गया नहीं है ओके। जब कोई गया नहीं है तो एक बार इसका बेसिक हम अध्ययन करके छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर तो हमको दिखता है जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ है, नदियां हैं, घाटी है, झील है, रिवर है, पठार है, मैदान है, डेल्टे है, एक्चुरी है, इन सभी चीजों का निर्माण होता है, कैसे होता है, इनका हम बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे ओके। तो सबसे बड़ा टॉपिक मतलब आप बोल सकते हैं 98% टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का, ये कवर करता है, 2% या उससे भी कम ये वाला टॉपिक कवर करता है ओके। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं फिर हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ इस तरह का, जियोमॉर्फोलॉजी में जो सतह है आपको इस तरह की दिखाई देगी कि इधर देखिए स्थलमंडल पहाड़ों से लेकर के इस तरह से आप लोग देखेंगे कि क्या है। अब आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हॉट पॉल लग रहा है ना कि यहाँ पर क्या दिया रखा है यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बुक में भी देखेंगे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपको जैसे पेपर आया मेंस का पेपर आया और उसमें आपको बनाना भी है, आप कैसे बनाएंगे भैया, इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एक सिंपल डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, उसी के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग इस पर भी आएंगे, फिर मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा ओके। तो पहले आपको बेसिक डायग्राम से समझना होगा, देखिए पहले मैं अपना कैमरा चेंज कर देता हूँ। इस तरह से आपको देखिए पहले सबसे पहले आपको सबसे ऊंची संरचना पृथ्वी पर क्या देखने को मिलेगी, पर्वत, पर्वत आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। फिर आप आएंगे फिर आपको उससे कम ऊंचाई क्या चीज देखने को मिलेगी, पठार, पठार के बाद आप आएंगे तो मैदान देखने को मिलेगा, मैदान के बाद आप आएंगे फिर इधर तटीय मैदान, फिर समुद्र, फिर कटक वटक आपको देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक संरचना देखते हैं, नंबर वन माउंटेन मतलब पर्वत, मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ ठीक है। नंबर एक पर्वत, पर्वत किससे कहेंगे, पर्वत कैसा होगा, तो अब आप इसके मतलब फैक्ट्स की ओर भूल जाइए कि 600 मीटर से ऊंची संरचना जो नुकीली होगी उसको हम पर्वत कहेंगे, तो 600 मतलब फैक्ट अभी भूल जाइए, फैक्ट के ऊपर आप आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग से गायब हो जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी फैक्ट पर ध्यान नहीं रखना है, फैक्ट भी मैं आपको याद कराऊंगा, इतने फैक्ट याद करा दूंगा कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आप लोग अगर लिखते लिखते भी परेशान आ जाएंगे, कहेंगे बस सर रहने दीजिए कॉन्सेप्ट ही हमारा ठीक है ओके। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे ना तो आपको फैक्ट रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। तो देखिए पर्वत कैसा होता है, पर्वत को आपको देखना है। अब आप लोग सोचिए ये पर्वत है, या फिर आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, या फिर इमेजिन कर लीजिए कि बचपन से आप लोग ऐसे झोपड़ी बनाते थे, पीछे ऐसे पर्वत बनाते थे, पीछे ऐसे एकदम सूर्य बनाते थे, तो पर्वत यही तो पर्वत है यार ओके। तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसे आप देखेंगे कि ये पर्वत है, पर्वत अब पूछा जाएगा पर्वत का आधार चौड़ा होता है तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ओके। तो पर्वत का जो आधार होगा मतलब नीचे का जो जगह होगी भैया ये चौड़ी होगी, ज्यादा चौड़ी होगी, लेकिन जैसे आप शिखर की ओर जाएंगे भैया इसकी चौड़ाई में कमी आती जाएगी ना, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बुक में पढ़ने की क्या जरूरत है, बुक में इसमें आपको 50 लाइनें या फिर 50 वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं सिर्फ पर्वत को लेकर के, लेकिन आप बता सकते हैं इसका भैया आधार चौड़ा होता है, शिखर की ओर जाने पर भैया इसकी चौड़ाई कमी आती है, इसका शिखर नुकीला होगा, जिसका शिखर नुकीला होगा भैया उसी को हम पर्वत कहेंगे, और इसका ढाल होगा भैया तीव्र होगा ओके। तो आप देख सकते हैं शिखर नुकीला, ढाल तीव्र, आधार चौड़ा, इसको हम लोग पर्वत बोलेंगे। एक चीज इसमें और ऐड कर देंगे भैया,
600 मीटर से ऊंची संरचना होगी तो हम उसको पर्वत बोलेंगे। अब इसको ही आप पढ़ते रहते भी 600 मीटर से ऊंची संरचना, आधार चौड़ा, फिर ऐसा ऐसा, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं ना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसमें फैक्ट जोड़ लीजिए। ओके, अब हम लोग ये भी देखेंगे भैया ये पर्वत हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब लोग जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे। जैसे कि अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं भैया, फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक होंगे। लेकिन अभी आप लोग बेसिक समझिए। ओके, तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया भैया, पर्वत किसे कहते हैं, इसका आधार चौड़ा होगा, 600 मीटर से ऊंची संरचना होगी। अब ऐसा थोड़ी ना ऐसा छोटा सा हमने रेत का बना दिया, ऐसा नुकीला कहेंगे, सर ये भी नुकीला है, इसका आधार चौड़ा है, ये क्या सर जी पर्वत है? ओके, तो ये पर्वत नहीं है। पर्वत क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हाइट है भैया वो इससे कम है। तो ऐसे नहीं है आपकी टोकरी के बराबर कोई चीज है, बोले कि अरे मम्मी मम्मी आप गया मम्मी से बोले मम्मी मम्मी अरे अपने घर के बाहर एक पर्वत आ गया, तो मम्मी कहेंगे ये लगता है पगला गया हमारा भाई। ओके, तो ध्यान रखिए कि मतलब 600 मीटर से ऊंची होनी चाहिए संरचना। ओके, तो मजे से आप लोग पढ़ाई करिए, ऐसे बुक में पढ़ते पढ़ते आप लोग बूढ़े हो जाएंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ओके, दूसरी संरचना हम देखते हैं पठार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है भैया, हम देखें इसका जो आधार होगा भैया चौड़ा होगा। अब इसका शिखर होगा ना भैया वो भी चौड़ा होगा, मतलब सपाट होगा, आपको नुकीला नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये नुकीला हो जाता तो क्या बन जाता? पर्वत बन जाता। इसीलिए पठार होगा भैया, उसका शिखर नुकीला ना होकर के सपाट होगा, तो उसको हम पठार बोल देंगे। तो कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। मैदान कैसा होगा भैया? ग्राउंड में आप लोग खेलने नहीं जाते क्या? उसको बुक में पढ़ना जरूरी है क्या? अब मैदान कैसा होगा भैया? समतल जगह होगी, उसको हम लोग मैदान बोल देंगे, जहां पर आप लोग फुटबॉल मैच खेलते होंगे। ओके, फिर मैदान के बाद आप जाएंगे ना तो आपके लिए तटीय मैदान देखने को मिलेगा। तटीय मैदान किसे बोलेंगे भैया? समुद्र किनारे जो तट के किनारे जो मैदान होगा भैया, बाढ़ से ग्रसित भी रहेगा। ओके, बाढ़ से निर्मित मैदान होगा, इसको तटीय मैदान या फिर बाढ़ का मैदान भी बोल सकते हैं, तो इसको भैया कोस्टल प्लेन बोल देंगे। तो कौन सा रॉकेट साइंस आ गया? कोस्टल प्लेन से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए क्वेश्चन कैसे पुट अप किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे भैया, फिर आपको महाद्वीपीय मग्न तट मिलेंगे। ओके, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में स्लिप बोलते हैं भैया। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के सामने ऐसे एक स्लिप डाल देते हैं कि भैया दरवाजे के सामने पानी ना गिरे। ओके, ऐसे ये आपका गेट है। ओके, गेट है, इस गेट के ऊपर इस तरह से एक स्लिप डाल देते हैं ना, अब इसमें पानी बरसता है तो ऐसे ऐसे टप टप इधर गिर जाता है, इधर नहीं गिरता है। ये भी क्या भैया? एक स्लिप की तरह, ऐसे देखिए इस तरह से है ना, कि मान लेते हैं ये आपका दरवाजा है और यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, तो भैया इसे किसकी स्लिप है भैया? कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप की स्लिप बनी हुई, तो इसलिए इसे महाद्वीपीय मग्न तट या फिर इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल स्लिप बोल दिया गया। तो कौन सा रॉकेट साइंस है? अब इसमें दो चीजें आपको पढ़ने वाली है जो आपको याद रखनी है भैया, कि इसकी गहराई होगी कम होगी। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करना सिखाऊंगा। ओके, तो इसकी गहराई आपको कम देखने को मिलेगी, ढाल मंद होगा। मतलब मंद का मतलब क्या होगा? जैसे ये देखिए ये पर्वत है, इसका ढाल देखिए तीव्र है ना एकदम, जैसे यहाँ पर ऐसे फिसलेंगे सट से नीचे जाएंगे, लेकिन इसका ढाल बहुत मंद होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम हल्का सा स्लोप होगा समुद्र की ओर, तो हल्का सा स्लोप होगा मतलब ढाल मंद होगा। अब इस तरह से पूछा जाता है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन दो तरह से यहाँ से आते हैं। यहाँ से पूछेगा निम्न में से क्रम लगाइए, जैसे आप समुद्र की ओर जाएंगे तो उनका क्रम लगाइए, तो आपको पहले जैसे पठार मैदान इस तरह से देगा, मैदान नंबर एक, दूसरा दे देगा यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट, तीसरे नंबर पे ये दे देगा और चौथे नंबर पे आपको ये दे देगा। अब आपको बताना होगा कि आप मैदान से समुद्र की ओर जाएंगे तो कौन कौन सी संरचना आपको किस क्रम में मिलेगी। तो आप जाएंगे इस तरह से, पहले आपको मैदान मिलेगा, फिर आपको तटीय मैदान मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा महाद्वीपीय मग्न तट मिलेगा, फिर आपको फिर महाद्वीपीय उभार मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्रम लगाना होगा। दूसरी तरह से इस तरह से पूछेगा कि जो तटीय मैदान है और महाद्वीपीय मग्न तट है, इसमें गहराई किसकी ज्यादा होगी? तो आपको ध्यान रखना है, जो तटीय मैदान है ना इसकी गहराई ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी गहराई किसकी ज्यादा होगी? इसकी, महाद्वीपीय मग्न तट है इसकी ज्यादा गहराई होगी। इसी तरह कंपेयर किया जाए भैया मैदान और जो महाद्वीपीय मग्न तट है भैया, इनमें गहराई किसकी ज्यादा होगी, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई किसकी कम होगी? तो भैया इसकी ऊंचाई कम होगी ना। तो कौन सा रॉकेट साइंस इसमें है? ढाल के बारे में पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। फिर भैया महाद्वीपीय मग्न तट के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस तरह की संरचना दिख रही है ना, एकदम तीव्र ढाल वाली, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। ओके, अब देखिए इसकी जो ढाल है ना बहुत ज्यादा तीव्र है,
अब आप लोग देख करके भी बता सकते हैं ना, एकदम तीव्र है। अब इस तरह से पूछा जाए, इन दोनों में कंपेयर करने के लिए आए नंबर एक इसमें और नंबर दो इसमें, ओके, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं ना कि निम्न में से किसकी गहराई ज्यादा है, किसका ढाल तीव्र होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं महाद्वीपीय ढाल है, इसका ढाल तीव्र होगा। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, गहराई किसकी ज्यादा होगी, भैया यहाँ पर गहराई है इसकी ज्यादा होगी, ओके। फिर इसके बाद आप आएंगे तो इस तरह से आपको ये संरचना दिख रही है ना, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए इस तरह से आप आएंगे ना, तो इस तरह से जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। देखिए अभी यहाँ तक आ गए, यहाँ तक अभी महाद्वीपीय चल रहा है, अभी महासागरीय नहीं आया, अभी देखिए महासागरीय आएगा। इसे बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। अब महाद्वीपीय उभार है, इसकी विशेषता क्या होती है, इस तरह से पूछा जाता है महाद्वीपीय उभार। महासागरीय जो स्थलखंड होता है और महाद्वीपीय स्थलखंड होता है, इन दोनों को जोड़ता है, तो यस जोड़ता है। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जो महाद्वीपीय ढाल होता है ये जो स्थल महाद्वीप और महासागर को जोड़ता है, तो ये नहीं जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। कौन जोड़ता है भैया, महाद्वीपीय उभार जोड़ता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इस वाले डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, दो चार बार बना लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, टाइम टू टाइम जैसे एक हफ्ते दो हफ्ते बाद एक बार रिविजन करते रहिए। जैसे आपको कोई कॉपी एक पेन मिल जाता है तो ऐसे बनाइए, मतलब कोई कॉपी पेन उठा लीजिए ऐसे बनाइए, सबसे पहले ऐसे पर्वत बताया था सर ने, फिर उसके बाद छोटा सा आपको देखने को मिलेगा पठार, पठार के बाद आप देखने को मिलेगा थोड़ा कम ऊंचाई का मैदान, मैदान के बाद में सर ने बताया था यहाँ पर तटीय मैदान होगी, तो इस तरह से बनाते रहिए। फिर तटीय मैदान के बाद मग्न तट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपीय ढाल मिलेगा, फिर उभार आएगा, फिर आपको नीतन मिलेगा, ओके, फिर इसके बाद कटक मिलेगा, तो इस तरह से बनाते रहिए, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो जब भी टाइम मिले भाई, जहाँ भी आप टहल रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, जहाँ भी आपको वक्त मिले ना, वहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। जरूरी नहीं है आप एकदम रूम में आकर के आप रिवीजन करें, पढ़ाई करने के लिए आपको एक रूम की आवश्यकता होती है, एकांत की आवश्यकता होती है, बट रिवीजन आप कहीं भी कर सकते हैं, चलते चलते घूमते घूमते भी आप रिवीजन कर सकते हैं, दोस्तों से बातें करते हुए भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप लोग जैसे झूला होता है ना, ऐसे करके एक सीढ़ी होता है, ओके, अब इधर से ऐसे झूलते हैं तो आप देखेंगे अरे यार ये तो पर्वत की तरह दिख रहा है, ओके, अब इस तरह से स्लोप इधर है तो कहेंगे यार स्लोप हमने देखा था, सर ने कहीं पर स्लोप पढ़ाया था, दो तरह के स्लोप थे, एक का ढाल बहुत ज्यादा था, तो नंबर एक यहाँ पर आपको एक तरह से इस तरह का झूला दिख रहा है ना, और एक यहाँ पर भी आपको एक झूला दिख रहा है, एक यहाँ पर भी झूला दिख रहा है, जो ये झूला है भैया एक कम ढाल है इसका, ओके, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, और ये भैया इसका ढाल बहुत ज्यादा है जिसको बोलते हैं महासागरीय ढाल, ओके। यहाँ पर अगर हम झूलेंगे तो शर्ट से नीचे गिर जाएंगे, ओके, और जो उभार है भैया इस पर झूलेंगे तो आराम से आएंगे, ओके ओके। तो इस तरह का आपको झूला दिखे कि जिसका मतलब कम ढाल है, तो वहां पर झूल के देख लीजिए और याद कर लीजिए कि ऐसा क्या चीज थी, जहां पर ज्यादा ढाल है एकदम खड़ा एकदम झूला है, तो आप ध्यान कर लीजिए यार खड़ा ढाल है जिसका ढाल तीव्र होता है, वो सर ने बताया था ऐसी समुद्र में एक संरचना देखने को मिलती है, वो क्या नाम है उसका, तो रिविजन ऐसे भी हो जाता है, ओके। अब देखिये ढाल की बात करें इसकी, यहाँ पर थे ना महाद्वीपीय उभार, इसको कॉन्टिनेंटल राइस बोलते हैं, इसका हम दूसरा पॉइंट है ना इसकी बात करते हैं। ये देखिए इसकी ढाल होती है ना, जो महाद्वीपीय जो ढाल है ना इससे इसकी कम होती है, लेकिन महासागर जो महाद्वीपीय मग्न तट है ना इससे आपको इसकी ढाल ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इससे तो इसकी ढाल ज्यादा होती है, इससे इसकी ढाल मतलब ढाल होगा ना स्लोप होगा ना वो इससे तीव्र होगा, लेकिन इससे कम होगा, इस वाले से कम होगा इसका, ओके। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे भाई, फिर आपको देखने को मिलेगा महासागर या नीतल, ओके, क्रस्ट देखने को मिलेगा, ओशन क्रस्ट इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको कटक देखने को मिलेगा। कटक क्या है भैया, ये भैया लावा से निर्मित संरचना होती है, आपको इस तरह से पर्वत, आपको पर्वत संरचना एक तरह से मतलब छोटी छोटी ऊंची ऊंची संरचना देखने को मिलेगी दोनों तरफ से, इसको कटक बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कटक का निर्माण कैसे होता है। कटक के द्वारा ही हमारे समुद्र का नीतल है वो उसका प्रसार होते जा रहा है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती रहती है। आप देखेंगे समुद्र के बीचों बीच में आप लोग देखेंगे इस तरह की लाइनें पाई जाती है, मतलब कटक बहुत बहुत लंबे पाए जाते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, ओके। इसी तरह भ्रंश घाटियां होती हैं। अब देखिए भ्रंश घाटियां यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भ्रंश घाटी क्या होती है, देखिए बीच में आपको यहाँ पर भ्रंश घाटी एक तरह से ये देखने को मिलेगी, भ्रंश घाटी है, इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं। मैं ये भी बताऊंगा जैसे रिफ्ट वैली क्या होता है और इस बी आकार की क्या होती है, यू आकार की क्या होती है, आई आकार की क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज इसकी दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसकी आपको लंबाई ज्यादा देखने को मिलेगी, सकरा होगा, सकरे का मतलब बहुत ज्यादा पतला होगा,
मतलब पतला बहुत ज्यादा कम गैप हो गया, ऐसे पतला सा होगा हो गया, जैसे कि आप कोई होती ना पतला सी चीज होती है उससे ऐसे खिसक करके निकल जाते हैं, तो सकरे का मतलब वही होता है। ओके, साथ में इसकी गहराई होगी वो ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा अंदर तक आप इसके चले जाएंगे। ओके, कटक होगा, कटक की भी विशेषताएं आप लोग देख लीजिए, इसकी चौड़ाई भैया आपको कम देखने को मिलेगी, लंबाई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और ये काफी सकरे भाग होते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक विशेष बात आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर घूमने गए, अब देखिए ये क्या है भैया, ये बीच है ना, ये रीजन क्या है, बीच है ना, मतलब समुद्र का किनारे है ना, तट है ना, यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपका भी मन कर सकता है ऐसे, जैसे मैडम जी का कर रहे हैं कि चलो हम भी नहा लेते हैं, आप भी ऐसे चले गए। ओके, अब आप ये सोच के आप यहाँ पर हैं, आपका मन कर रहा है भैया नहाने का, आप यहाँ पर नहाएंगे तो आराम से नहा सकते हैं, लेकिन सोचिए ज्वार आता है तो ये पानी क्या होगा भैया, आगे हो जाता है, मैं ये भी होता हूँ ज्वार भाटा के बारे में, तो आगे आ जाएगा पानी, तो यहाँ पर होगा तो आराम से आप नहा सकते हैं, ऐसे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, आप थोड़ा सा ज्वार के बाद भाटे का टाइम आया, भाटे के टाइम क्या होता है पानी पीछे चला जाता है, अब पानी यहाँ कहीं पर आ गया, देखिए ध्यान से देखिए पानी यहाँ कहीं पर आ गया, और देखिए काफी लंबे समय तक भाटा रहता है। अब आप सोचेंगे 3-4 घंटे से पानी इधर सब सूख जाता है, रेत भी पानी एकदम सूख जाती है, आपको लगेगा इधर यार सूखा है, अभी हम 1 महीने पहले आए थे यहाँ पर, हम आराम से नहाए थे, और आपको ये तो पता चलेगा नहीं, वो थोड़ा सा आगे था ये थोड़ा सा पीछे हो गया, अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप नहा रहे होंगे, अब जैसे ही आप नहा रहे होंगे, अब ये सोचिए यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप डम से नीचे चल जाएंगे भाई, इतना नीचे चले जाएंगे, फिर आप इतने गोते लगेंगे कि फिर आपको गोताखोर की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए ध्यान रखिए भैया कि आप लोग महाद्वीपीय मंगने तट पर हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल स्लिप पर हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप पर हैं, तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैसे ध्यान आएगा, अगर आप लोग जैसे जो तटीय मैदान है ना वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी दूरी है, अगर देखिए यहाँ पर बहुत कम दूरी है, यहाँ पर समतल जगह आपको लग रही है तो ठीक है, और नहीं लग रही है तो भाई आप लोग रिस्क ना लीजिए, या फिर किसी से पूछ लीजिए कि यहाँ पर भैया कैसा कैसा धरातल है यहाँ पर, या फिर साथ में अपने एक गाइड ले जाइए, अगर आप लोग अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इसको ऑब्जर्व करेंगे, कुछ पिक देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हम लोग यहाँ पर नहाए तो थे, लेकिन वो थोड़ा 100, 200, 500 मीटर कहीं पीछे तो नहीं था, थोड़ा सा आगे आ जाने पर अचानक में बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा आता है, और उस गड्ढे में आप लोग जा सकते हैं, जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोग ऐसा मत समझिए कि समुद्र के किनारे ऐसे बहुत हल्के हल्के ऐसे जाकर के होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको उस दूरी पे जाएंगे तो बहुत हल्के से ढाल है, फिर एकदम सड़क से नीचे चले जाएंगे, इसमें नीचे चले गए फिर तो भाई अगर तैरना नहीं आता तो पता नहीं क्या होगा आपका, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। तो ऐसे एकदम एकदम ऐसे नहीं उतावले होकर के ऐसे जानवरों की तरह कूद के नहाने लगे और पता चला फिर आपको खोजने की आवश्यकता पड़ रही होगी। तो आपको मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ, ये देखें जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये देखिए आपको इस तरह से समुद्र के अंदर आपको इस तरह से ज्वालामुखी क्रियाएं भी देखने को मिलेगी। अब ये ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ओके, लावा आता रहता है, वो ऐसे परतों के रूप में जमा होता रहता है, और एक नुकीला और इसका आधार चौड़ा होता है, और देखिए ये नुकीला है तो किस तरह से दिख रहा है, एक पर्वत की तरह दिख रहा है ना, तो इसीलिए, और किसके द्वारा निर्मित हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुआ ना, तो इसीलिए हम इसे ज्वालामुखी पर्वत बोल देते हैं। ओके, अब देखिए हल्के हल्के जब इसकी हाइट बढ़ती रहती है, एक समय ऐसा आता है कि इस सतह से मतलब जल की सतह से ऊपर आ जाता है, और ऊपर आकर के दिखने लगता है, तो इस तरह से मतलब टापू का रूप ले लेता है। अब भैया इस पे पेड़ पौधे जमाते हैं, और फिर इस पर लोग आकर के रहने लगते हैं, जानवर भी आकर के रहने लगते हैं। ओके, अब कटक क्या होता है, कटक आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये आपको छोटी छोटी इस तरह से संरचना दिख रही है ना, ये भी ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित संरचना होती है, मतलब लावा आता है, हल्के हल्के लावा आता है, लावा का बहुत धीमी गति से उद्गार होता रहता है, और वो इस तरह से आकर के जमता रहता है। ओके, तो इस तरह से कटकों का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत ज्यादा आपको इनकी लंबाई देखने को मिलेगी, देखिए लंबाई कितनी ज्यादा अधिक है, और बीच में देखिए छोटी सी ऐसी, देखिए पतली सकरी सी है और गहरी सी है, ये क्या है, भ्रंश घाटी है, मैंने आपको भ्रंश घाटी के बारे में बताया था। तो इस तरह से इनका प्रसार होता रहता है, पहले यहाँ पर होगा तो हल्का हल्का ऐसे बढ़ता रहता है, इसी तरह सागर मितल का भी प्रसार होता रहता है, इधर आपको देखने को मिलेगा एक भ्रंश घाटी, इधर ये महाद्वीप है, इधर ये महासागर है, तो महासागरीय क्रस्ट है, इसका विस्तार होता रहता है। महासागरीय क्रस्ट का विस्तार कैसे होता है, सागर नीतल के द्वारा होता है, मतलब एक क्रस्ट है ना, सॉरी कटक है ना, कटकों के द्वारा ही सागर नीतल का विस्तार होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दी थी,
एक कोई मतलब ज्यादा रॉकेट साइंसेस में नहीं था। इम्पोर्टेंट जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह किस तरह की है और हम लोगों को कैसे पता चला कि हम तो पृथ्वी के अंदर कभी गए नहीं। ओके, हम लोगों ने जो क्रस्ट है ना इसको ही पूरा पार नहीं किया, तो हम लोग अंदर कैसे बता सकते हैं पृथ्वी की सतह कैसी है, सियाल सीमा नीफी से निर्मित है, तरल अवस्था में गैस अवस्था में, ये अध्ययन कैसे हुआ, काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग बताएंगे इसका घनत्व हम लोगों ने कैसे पता किया, किस तरह से अध्ययन किया, सिस्मोग्राफी क्या है। ओके, तो ये टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को ये बहुत मजा आएगा। ओके, और भूकंप में तो मतलब बहुत ही मजा आने वाला है, ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टोरी होगी ना सबसे जबरदस्त होगी। मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा फिर, वरना थोड़ा मजा थोड़ा बेकार हो जाता है। ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। आपको बुधवार को टेस्ट होगा, तो पीडीएफ वाला जो मैंने आपको बताया था ना वो टेस्ट आपका बुधवार को होगा। तो सब लोग तैयार हो जाइए, अपनी जो फॉर्मेट शीट मैंने मंगाई थी ला करके रख लीजिए। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश कर